भाई लोग कैसे यार तुम लोग एकदम से बड़े होंगे, तुम्हारा भाई भी बहुत बढ़िया है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर तुम्हारा भाई यूट्यूब करने जा रहा है MF500 किट्स पर और बताने जा रहा है कि वो एक बिगनर के लिए अच्छे है या नहीं और क्या तुम इसे परचेज कर सकते हो। एंड वीडियो में बढ़ने से पहले एक चीज देखो यार, स्क्रीन में कितने कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो भाई तुम्हारा भाई इस वीडियो को डिवाइड करेगा चार पार्ट्स में, एंड इन चार पार्ट्स में तुम्हारा भाई बताएगा क्या तुम इसे बाय कर सकते हो एंड इज इट वर्थ इट टू बाय 2023। तो जो सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा हमारा बिल्ड क्वालिटी में, इसकी बिल्ड क्वालिटी में कैसे मिलती है इस प्राइस पॉइंट पर। एंड जो सेकेंड होगा हमारा वो होगा हमारा फ्रेम की क्वालिटी कैसी है एंड फ्रेम एडजस्टमेंट कैसा है। एंड जो थर्ड होगा वो होगा हमारा बेयरिंग स्पीड एंड व्हील साइज, क्या इस बेयरिंग स्पीड से तो एक अच्छी खासी स्केटिंग कर सकते हैं एज अ बिगिनर या नहीं। जो फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इज इट वर्थ इट टू बाय 2023। तो भाई चलो बढ़ते हैं यार वीडियो की तरफ। इस बैकग्राउंड के साथ नहीं, हम शाम के मौसम में करेंगे। तो चलो भाई, क्या था भाई, मैं तुम्हें बाहर के मौसम में दिखाऊंगा अपने स्केट्स का रिव्यूज, अपने नहीं भाई, तुम्हारे लिए जो तुम इन फ्यूचर लोगे अगर तुम एक नए स्केटर हो तो। चलो भाई उससे पहले एक बार सब्सक्राइब कर देना यार, एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत अच्छा मन हो जाता है यार। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सो एज यू कैन सी ये है हमारे MF500 के शूज़, एंड अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ इस प्राइस रेंज में जो ये अनबिलीवेबल है, बहुत तगड़ी क्वालिटी दे रखी है इन्होंने। आई डोंट थिंक कि मैं बहुत कम चीप मटेरियल का यूज़ होगा, आई डोंट थिंक चीप मटेरियल का हुआ भी है यूज़। एंड अगर मैं इसके हुक्स की बात करूँ ये भी बहुत तगड़ा है, बट एक इफेक्ट था इनमें, क्या बोलूँ मैं, कि जब ये आए थे मेरे पे, मैंने लिए थे, लाइक ये ढीला था इसका बहुत ज़्यादा, तो लाइक लूज़ ही हो जाता था दो दिन बाद, तो इट माइट किसी में आ जाए एक दो में, बट सब में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ और चीज़ों की, जैसे इसके अंदर का जो कुशन हो गया ये सब कुछ, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसके लिए भी तुम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ एक चीज़ बोल सकते हो यार, तुम डिकैथलॉन थोड़ी हाई प्राइस में चीज़ें बेच रहे, बट दे आर वैल्यू ऑफ मनी, लिटरली आई कैन से दे आर वैल्यू ऑफ मनी। एंड अगर मैं इसकी और सारी चीज़ों की बात करूँ तो ये भी बहुत तगड़ी है, और आपको अगर यहाँ पे ये सफ़ेद सफ़ेद सी जो चीज़ देख रही है ना, तो ये बता देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो भाई शॉक एब्जॉर्बर, इससे क्या होता है जब भी हम कोई उबड़ खाबड़ या थोड़ी सी भी ख़राब रोड में जाते हैं तो हमें कम महसूस होता है वहाँ पे, जो हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो चलो अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, ये है हमारा दूसरा फ्रेम। हाँ तो अब मैं बताऊँगा इसकी फ्रेम की क्वालिटी कैसी है प्लस फ्रेम का एडजस्टमेंट कैसा होता है। तो मैंने इनके सारे पार्ट्स निकाल दिया, एक्चुअली दो व्हील्स रखे जिससे मैं एकदम अच्छे से समझा पाऊँ, एंड जो मैंने इसे डिवाइड किया है मतलब इसके जो हमारे पार्ट्स है उसे निकाला है, उसकी वजह से ये तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो अगर मैं पास आके दिखाऊं कैमरे के, तो फ्रेम कुछ हमारा ऐसा दिखता है एज यू कैन सी, एंड जो यहाँ पे ये तीन लाइनें दे रखी है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नंबर भी लिखे हैं FR HB एंड 41 to 46। तो मैं बता देता हूँ ये एक्चुअली शूज़ के जो तुम्हें शूज़ कस्टमाइज़ करवाना है उसके बेसिस पे है। तो अगर लाइक तुम्हें यहाँ पे रखना है तो जो दूसरा होगा तुम यहाँ नहीं रख सकते, उसे भी तुम्हें यहीं रखना होगा, तुम्हें यहाँ रखना है तो यहीं। तो इफ़ यू वांट कि एक अच्छा बैलेंस बने तो मिड में रखो, उससे लाइक बहुत तगड़ा बैलेंस बनेगा एंड आई एम से तुम गिरोगे नहीं यार। और अगर अब मैं बात करूँ इसके क्वालिटी की फ्रेम की, भाई बहुत तगड़ी क्वालिटी है, मेटल का है पूरा। और अगर मैं बात करूँ ये फ्रेम कैसे लाइक कलर में और भी मिल जाता है तो नहीं, और कलर्स में नहीं मिलता है, ब्लैक में ही मिलता है, ये बहुत तगड़ा है। एंड यहाँ पे ये देखो MRP भी लिखी है, इसमें मत जाना, इसके MRP में मत जाना, ये फ्रेम के नहीं है, ठीक है कॉस्ट। और अगर अब मैं बात करूँ इसके साथ साथ कि तुम इसमें एडिशनल कोई और व्हील्स लगा सकते हो कोई और MM के, सो नहीं लगा सकते हो यार तुम ये चीज़, इसमें सिर्फ 80 mm के लगेंगे वो भी डिकैथलॉन के, ये इसके हल्के से एक डिसएडवांटेज होगी। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ।
इस जैसा मैं बोल रहा था इस प्राइस पॉइंट पे आती है वो बहुत तगड़ी है, बट आई थिंक हल्की सी ज़्यादा हो सकती थी, बट एज यू कैन सी बहुत तगड़ी है। मैं वापस दिखा देता हूँ यार तुम्हें, ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी तुम्हें बेयरिंग की कहीं भी, बट आई थिंक थोड़ी सी और कर सकते थे इसे इम्प्रूव, बट ठीक है इन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी दे रखी है फ्रेम की, शूज़ की, व्हील्स की, तो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार, बेयरिंग में भी कुछ नहीं होता, तुम कर लेना यार नए स्केट्स भी ले लेना। और अगर तुम्हें चाहिए प्रोफेशनल्स का भाई, प्रोफेशनल स्केट्स का, हाँ वो क्या बोलते हो उसे, अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग करो यार, तो कमेंट में बता देना, ठीक है उनकी भी करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था ये फ्रेम, ये व्हील्स और शूज़ सबको मैंने डिस्क्राइब कर चुका है, एंड अब मेन क्वेश्चन आता है भाई, अब वो मेन क्वेश्चन, हाँ इज इट वर्थ इट टू बाय 2023। सो इफ इन माय ओपिनियन आई थिंक यस यू कैन बाय इफ यू आर अ न्यू स्केटर एंड इफ यू आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 1-3 years आल्सो यू कैन बाय इफ यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू डिसिप्लिन लाइक डाउनहिल, अल्पाइन और अदर्स। आई प्रेफर यू, तुम कर सकते हो यार इसे बाय। एंड अगर मैं बात करूँ, ये पेड प्रमोशन है, नहीं है भाई पेड प्रमोशन, टिकट लॉन ने नहीं दिया पैसे इसे प्रमोट करने के लिए, भाई क्या बोल रहा है यार, नहीं है पेड प्रमोशन, ऐसा मत लिख रहा है पेड प्रमोशन है, नहीं है। और जो इनकी क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है जैसे मैंने बताया, यस यू कैन बाय दिस, एंड इसकी लिंक बाय करने की तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड जस्ट बाय इट यार। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। अभी नहीं हुई यार, सब्सक्राइब कर देना तब जाना, तुम सब्सक्राइब भी करते हो तो चलो भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।